Hi everyone, welcome to Digital Library. Hello viewers, this is Pratibha Suparna. Today we will study physical and chemical changes, which is chapter number 6 of class 7. We will be covering this chapter from NCERT book. We will be studying this chapter in detail. So I am making two videos for the same chapter. This is video 1, and for detail please go to video number 2 also, for which you can see a link in the I button. If you found this video helpful, then please like and share the video and subscribe to the channel Digital Library. You come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. तो बच्चों, हम अपने आसपास कितने सारे चेंजेस डेली देखते हैं. आपको हल्का सा मैं रिवाइज कराना चाहूँगी. ये सब आपने पहले 6th क्लास में भी पढ़ा है ना. वहाँ पर हमने पढ़ा था रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल चेंजेस. देर आर फ्यू चेंजेस विच वी कैन रिवर्स, बट देर आर फ्यू चेंजेस विच वी कैन नॉट रिवर्स, है ना. तो कुछ भी चेंज हो सकता है. जैसे मम्मी ने हमको बोला पानी में शुगर को मिलाना, दैट इज़ ऑल्सो चेंज. पहले आपके पास दो चीज़ें थी, पानी अलग था, चीनी अलग थी. आपने उन दोनों को मिला दिया, अब आपके पास एक चीज़ है, दैट इज़ शुगर सॉल्यूशन, है ना. आपने दूध से दही बना दिया, क्या आप वापस दूध बना सकते हैं दही से? नो. सो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज़ ऑल्सो अ चेंज. एंड समटाइम मिल्क बिकम सावर, है ना, कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है. तो ये भी एक चेंज है. आप किसी रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज. तो इस टाइप के चेंजेस की हम बात करेंगे. वट वी कैन से इफ़ वी ब्रॉडली डिवाइड चेंजेस इनटू टू कैटेगरीज, वट वी कैन से वन इज़ फिजिकल चेंज एंड द अदर वन इज़ केमिकल चेंज. ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले एक एक्टिविटी 6.1 है, उसमें वो क्या कह रहा है कि एक पेपर है, एक कोई भी स्क्वायर शीट पेपर लीजिए और उसको आप इस तरीके से काट दीजिए, चार शीट में उसको. आप फिर उसको साइड बाय साइड जब रखेंगे, तो क्या आप वापस उसे सेम पेपर बना सकते हैं? ऑब्वियसली सेम पेपर कभी पूरा नहीं बना सकते, उसको बिना जोड़े. बट उसका कुछ लॉस तो नहीं हुआ, पेपर तो उतना ही है ना, और उसमें कुछ नया भी नहीं ऐड हुआ. तो इस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. उसके बाद एक्टिविटी 6.2, जैसे टीचर लिखती है ब्लैक बोर्ड पे, तो नीचे चौक गिरता है, चौक डस्ट. आपने उस सारे चौक डस्ट को कलेक्ट कर लिया एंड देन यू आर एडिंग लिटिल वाटर टू इट. ओके, उसको थोड़ा सा थिक पेस्ट सा बना के और आपने एक तरीके से उसका डो बना के उसको फिर से चौक की शेप दे दी. सो व्हाट विल हैपन, आपने चौक इकट्ठा किया, पानी मिलाया, उसको फिर से एक शेप दे दी और उसको सुखा दिया, फिर से चौक बन गया. बट क्या वो उतना ही चौक होगा? नहीं. एक तो आपने उसकी जो शेप है वो मे बी बिल्कुल वैसी ना हो जो पहले ही थी. दूसरी चीज़, दैट इज़ जस्ट अ चॉक डस्ट, है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा वाला चॉक है जो लिखते हुए नीचे गिर जाता है, वो चॉक है. तो ऑब्वियसली उसका जो क्वांटिटी है, दैट विल बी लेस. तो जब आप उसकी कोई भी शेप बनाएंगे, फाइनल चॉक जो बनेगा, उसका जो साइज होगा, दैट विल नेवर बी सिमिलर टू द चॉक अर्लियर, द ओरिजिनल चॉक, है ना. तो साइज चेंज हो जाएगा. उसके बाद एक्टिविटी 6.3 की अगर हम बात करें, आपने क्या किया, एक ग्लास में आपने आइस ली और उसको मेल्ट कर दिया. आप उसको सन में रख दीजिए या नॉर्मल भी, थोड़ा टाइम बाद आइस मेल्ट हो जाएगी. तो आपको क्या मिलेगा, आइस और वाटर का मिक्सचर मिलेगा. अब आपने उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया. फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट. बेसिकली कहना ये यही चाह रहे हैं कि आपने आइस ली, उसको मेल्ट किया, दोबारा से उसको फ्रीज कर दिया. दैट यू कैन डू अगेन इन द फ्रीजर और इन द फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर में जब आप ऐड करेंगे तो उसको थोड़ा फास्ट कर देता है प्रोसेस को, ठीक है. तो आइस प्लस कॉमन सॉल्ट में जब आप उस मिक्सचर को रखेंगे तो दोबारा से आइस बन जाएगी, है ना. सो व्हाट हैपेंड इन ऑल दीज एक्टिविटीज, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेज आर गेटिंग चेंज. बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर. अब आपने पानी को गर्म किया, ये एक्टिविटी आपने 6th क्लास में भी की है, है ना, याद आया. आपने पानी को एक कंटेनर में गर्म किया और उसके बाद आपने उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी. तो व्हाट विल हैपन, द स्टीम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बॉइल्ड वाटर विल राइज अप एंड व्हेन इट विल टच
the plate surface, or you can do an inverted pan over it. When it will touch that cold pan or the cold plate, what will happen? The steam will cool down and converted again to liquid, that is water droplet. So you will find some water droplet inside of that pan, or you can say plate, जो भी आपने उसके ऊपर ढका है. In activity 6.5, हमने एक हैक्सा ब्लेड लिया और उसको हमने गर्म किया स्टोव के ऊपर. What will you find? You will see a change in color. Red red सा हो जाता है. आयरन को अगर आप गर्म करेंगे तो red red सा हो जाता है वो. सो आपने एक्टिविटी 6.1 से लेके 6.5 तक जितने भी एक्टिविटी की, चाहे आपने पेपर को फाड़ के देखा, चाहे आपने चॉक डस्ट से दोबारा से चॉक बनाया, या फिर आपने पानी को गर्म किया और वाटर दोबारा से वाटर ड्रॉपलेट बनाई, या फिर आपने वाटर से आइस बनाई, आइस को मेल्ट किया यानी कि दोबारा वाटर बनाया और फिर दोबारा से उसको फ्रीज करके आइस बनाया, या फिर आपने किसी भी मेटल को गर्म किया हो, इन सब चीज़ों में एक कॉमन चीज़ है क्या? फिजिकल चेंज है ना. व्हाट वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज इन शेप, साइज, कलर और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. सो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड एनी चेंज इन द सब्सटेंस विच अंडरगोज अ चेंज इन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. ठीक है, तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जब किसी सब्सटेंस की शेप चेंज हो, या साइज चेंज हो, या उसका कलर चेंज हो, या उसकी स्टेट चेंज हो. वी नो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाए, या फिर बाकी कोई चेंज हो जिसको हम मेजर कर सकें, जो इन फिजिकल चेंजेस में आता हो. फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज अगर है तो दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. राइट, आपने पेपर को फाड़ा, कुछ नया तो नहीं बनाना. आप उसके चाहे 4 पीसेस कीजिए, चाहे 100 पीसेस कीजिए, बट द पेपर रिमेन द सेम. देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. इसी तरीके से नाउ वी विल कम टू 6.2, दैट इज केमिकल चेंज. अ चेंज विद विच वी आर क्वाइट फैमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन. है ना, ये तो हम घर में भी इधर उधर चीज़ों में देखते हैं. वॉट इज रस्ट? रस्ट होता क्या है? आयरन ही होता है या कुछ और होता है? Have you ever thought of कि आयरन की कुछ है, कोई दरवाज़ा हो सकता है, that can be a lock, that can be a railing, that can be a iron net, that can be any simple nail, है ना, कील जो होती है, जब वो रस्ट हो जाता है उसके ऊपर एक ब्राउन ब्राउन सी लेयर बन जाती है. What is that? This substance is called rust and this process is called rusting. Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron kept in the open gets rusted. Why in open? अगर हम उसको close रखेंगे तो वो rust नहीं होगा? No. Why? Because rusting need both oxygen as well as water, moisture and air, दोनों उसको चाहिए, तभी iron rust होता है. तो अब हम आते हैं बच्चों activity 6.6 पर. We will take a thin strip of ribbon of magnesium, ठीक है, and we'll just clean its tip with sandpaper and bring the tip near a candle flame. It burns with a brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? Ash to ash, yeah, that doesn't look like a magnesium ribbon. The change can be represented by the following equation. Magnesium, Mg. Magnesium, we can write as Mg, chemical formula uska, plus O2, oxygen. It will form magnesium oxide, MgO. तो ये जो ऐश बनी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, वी विल कलेक्ट दैट ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. हमने उसके अंदर पानी मिला दिया और उसको डिसॉल्व कर दिया अच्छे से, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया. अब जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, व्हाट विल यू डू? यू टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. लिटमस पेपर का हमें पता है ना, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वेदर इट्स एसिडिक और बेसिक. ठीक है, तो हम एक बार रेड टर्न, रेड डिप करके देखेंगे, फिर हम ब्लू डिप करके देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है. तो हुआ क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से,
we added water to it, so MgO plus H2O, it will form magnesium hydroxide, MgOH. So hydroxide solution is a basic in nature. So on burning of magnesium ribbon, we found out a new substance is formed, that is magnesium oxide, or we can also say magnesium hydroxide when we add water to it. So such changes are called chemical changes. When a new substance is formed, हमने किसी चीज़ को जलाया, उसको काटा, उसके अंदर पानी मिलाया, उसके अंदर कुछ भी किया, कुछ भी चेंज हुआ, and a new substance is formed. That is, such change are called chemical changes. अभी we'll do some more activities, so things will be more clear to us. So moving on, activity 6.7. We dissolve a teaspoon of copper sulfate, what we call blue vitriol or nila thotha, blue vitriol, in half cup of water in a glass tumbler or a beaker. ठीक है, पानी लिया, पानी के अंदर हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया और उसके बाद आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली. यू गेट अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. कॉपर है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी कॉपर सल्फेट है. हमने डाला H2SO4 डाइल्यूट इन द डाइल्यूट फॉर्म, यानी कि H2SO4 प्लस H2O वाटर है उसके अंदर, तो इट विल गिव अस अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन. नाउ सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल. थोड़ा सा सोल्यूशन आपने रख लिया अलग से. नाउ ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड. कोई भी आपने नेल या फिर यूज्ड शेविंग ब्लेड, मतलब आयरन है बट यूज्ड है, यानी कि हल्का हल्का रस्टेड भी होगा वो. ओके, आपने वो उसके अंदर डाल दिया. नाउ वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सोल्यूशन. अब क्या होगा, अब आप उसका कलर देखिए. एंड नाउ यू कंपेयर, यू कैन सी द पिक्चर. व्हाट डू यू सी चेंज इन कलर. टेक आउट द नेल और द ब्लेड. अब आपने ब्लेड बाहर निकाल ली. सो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, इट विल फॉर्म आयरन सल्फेट सोल्यूशन विच इज ग्रीन इन कलर. फाइन, एंड जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इसकी वजह से यू विल सी अ चेंज इन कलर एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज आयरन सल्फेट. ठीक है, तो इसके अंदर नया सब्सटेंस कौन सा बना, आयरन सल्फेट. सो दिस इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन. मूविंग अहेड इन एक्टिविटी 6.8, टेक अबाउट अ टी स्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपने विनेगर लिया थोड़ा सा टी स्पून में एंड यू एडेड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा आपने उसके अंदर डाल दिया. आपको हिस ऐसे आवाज़ आएगी. वाई, क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है. बेसिकली विनेगर इज एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा आपने डाल दिया. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इन दोनों के रिएक्शन से एक गैस लिब्रेट होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस. तो जो आपको गैस बबल साइड में दिखा दे रहे हैं, दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. ये इस टाइप का रिएक्शन को हम टेस्ट भी करते हैं. हम क्या करते हैं, आप इस गैस को लाइम वाटर से पास कीजिए एंड यू विल सी अ चेंज, अ मिल्की कलर चेंज इन द लाइम वाटर. अब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर. लाइम वाटर इज बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस एच वाटर. तो CaCO3 जब ये बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये उस सॉल्यूशन को एक मिल्की कलर दे देता है, वाइट कलर दे देता है. तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, ये देखिए आप अभी. तो ये हाफ वीडियो थी आपकी. इसके बाद अगर ये जो गैस निकल रही है, जो आपने अभी देखा ग्लव के अंदर चली गई है, दैट इज जस्ट टू शो दैट अ गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन. ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया हाफ रिएक्शन से. अब ये जो गैस निकली है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये गैस, व्हेन दिस गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज वाइट इन कलर. ठीक है, सो टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इन टू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये आप वैसे भी करते हैं, कभी आपको ये चेक करना है, ये आप 10th क्लास में भी करेंगे, कि जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं, वी नो ना दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो टू चेक दैट वील डू दिस एक्सपेरिमेंट इन आर 10th क्लास. सो स्टूडेंट्स, इन एक्टिविटी 6.6 टू 6.8
You saw that in each change, one or more new substances were formed. In 6.6, the ash was the new substance. Magnesium जब जला था तो ash बनी थी MgO, magnesium oxide, जिसको हमने water में डाला तो magnesium hydroxide बना था. फिर 6.7 में हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट को आयरन से मिक्स किया था तो आयरन सल्फेट बना था, कॉपर अलग हो गया था. तो आयरन सल्फेट एंड कॉपर, दीज बोथ आर द न्यू सब्सटेंसेस, और जो कॉपर था वो जाके शेविंग ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो गया था. एंड इन एक्टिविटी 6.8 विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जब हमने इन दोनों पे मिलाया तो एक गैस प्रोड्यूस हुई थी, व्हाट वाज दैट, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना स्टूडेंट्स. और जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया तो फिर वो वाइट वाइट हो गया, मिल्की कलर हो गया, किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, राइट. तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दीज वर द न्यू सब्सटेंसेस इन दिस रिएक्शन. तो आपने इन तीनों एक्टिविटीज में ये देखा कि कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है ना. सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस वेयर सम चेंज अकर एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट कैन बी अ गैस और अ सॉलिड, दीज चेंजेस आर कॉल्ड chemical changes, or we can say chemical reactions. So a change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. A chemical change is also called a chemical reaction. Chemical changes are very important in our lives. If you found this video helpful, then please like and share the video and subscribe to the channel Digital Library. Thank you for watching.